ओके दोस्तों नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सीए संकल्प कांचिया। स्वागत है आपका इस सेशन में ऑन स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार है पब्लिक? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कल अपन लोग ने एक इंट्रोडक्शन ले लिया था इस सब्जेक्ट का, स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या आप लोगों को सब क्लियर है? ठीक है, एज कल अपना डिस्कशन हुआ कि कभी भी कोई चीज स्टार्ट करेंगे उसके पहले एक छोटा सा रिव्यू या अपन लोग आइडिया ले लेंगे कि लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, और फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप लोग बताइए कैसे हैं आप, कैसा रहा आपका फर्स्ट लेक्चर, एंड हाउ आर थिंग्स गोइंग एट योर एंड। सो अगर जस्ट एक आइडिया दूं तो कल अपन लोग ने डिस्कस किया SFM के बारे में, एंड अपन लोग ने समझा कि बॉस अपना स्ट्रेटेजी क्या रहेगा। वी विल बी डिवाइडिंग दिस सब्जेक्ट इंटू 4 phases। गाइज आज से याद रखना, आप लोग के लिए SFM रहा ही नहीं है। अब आप लोग के लिए SFM डिवाइड हो गया है 4 phases में। आप किसी से भी बात करेंगे तो फेज वाइज ही बात करेंगे, ठीक है। टोटल अराउंड 14-15 चैप्टर्स है जो अपने को करना है। फेज 1 में आते हैं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। जी हाँ, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। तो इधर मैं अगर लिखता हूं तो म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, गारंटीड 30-35 मार्क्स इंक्लूडिंग ऑप्शन, इसमें से आना ही आना है मिनिमम। फिर आ जाता है लेवल वाला, एंड दैट इज योर फॉरेक्स डेरिवेटिव्स। फिर बाद में है आपका IRRM, IFM, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। Then there is mergers and acquisitions and corporate valuation, and finally जो अपने थ्योरी चैप्टर्स है जैसे सिक्योरिटाइजेशन, जैसे रिस्क मैनेजमेंट, जैसे स्टार्टअप फाइनेंस, जैसे फाइनेंशियल पॉलिसी, जैसे सिक्योरिटी वैल्यूएशन, राइट। सो ये चारों फेज में डिवाइडेड है अपने ये 14 चैप्टर्स, एंड अपन फेज बाय फेज ही इसको परफेक्टली टेक ओवर करते जाएंगे। सो आई होप वी आर क्लियर विद दैट। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स लोग जो थ्योरी में ऑप्शन छोड़ते हैं, उन लोगों को कल मैंने एक अच्छा खासा आइडिया दे दिया था कि थ्योरी हर एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स कंपल्सरी आने वाला है, कंपल्सरी, समझ रहे हो। सो 20 मार्क्स का आपको थ्योरी अटेम्प्ट करना ही है, सो वी हैव टू डू इट वेरी वेरी थरली। सो उसको भी अपन जब जैसे वो आएगा वी विल मैनेज इट, नॉट टू वरी एट ऑल। बाकी दिस आई विल से इट एज लाइक अ मीडियम फेज। फेज 2 इज वुड बी अ डिफिकल्ट वन, फेज 3 इजी पीजी, फेज 4 वेरी इजी पीजी, राइट। सो फेज 4 इज वेरी इजी बट यूजुअली इग्नोर, सो वी हैव टू टेक केयर कि बॉस अपन उसको इग्नोर ना करें। सो आई होप ये अपने को चारों चीजें क्लियर हो गई थी। फिर मैंने आप लोगों के साथ पेपर पैटर्न डिस्कस किया था, सो आई होप पेपर पैटर्न आप लोगों के दिमाग में एकदम क्लियर है, दैट फर्स्ट क्वेश्चन विल बी 20 मार्क्स, यूजुअली 8+8+4, एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी ऑफ एनी 4 यू हैव टू अटेम्प्ट आउट ऑफ द रिमेनिंग 5, राइट। सो ये अपना पेपर पैटर्न था। फिर अपन लोग ने डिस्कस किया कि अपन लोग इसमें जो बुक है उसमें क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द मोटिवेशनल कोट। फिर बाद में अपन लोग ने पास्ट पेपर का एनालिसिस किया, पास्ट एंड एनालिसिस वो पार्टिकुलर टॉपिक का। फिर आया अपना स्टडी मेंटोर। याद रखना, स्टडी मेंटोर रेगुलर बेसिस पे अपने को टिक मारते रहना है जब अपन भी रिवाइज करते रहेंगे, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर अस टू रिमेंबर व्हाट ऑल इज डन एंड नॉट, और तभी का तभी इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, सो दैट एग्जाम टाइम पे आपको जब रिवाइज करना है इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल एंड इफेक्टिव फॉर यू। सो ये हो गया मेरा स्टडी मेंटोर। स्टडी मेंटोर के बाद आता है प्रीव्यू। प्रीव्यू से आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा सब्जेक्ट का, टॉपिक का, कि क्या एग्जैक्टली वो बोलना चाहता है। उसके बाद में आते हैं अपने प्रीव्यू में फॉर्मूलाज। सो फॉर्मूलाज भी यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया है। सो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये सब फॉर्मूलाज भी मैंने यहाँ पे ले लिया है। फॉर्मूलाज के बाद आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है मॉड्यूल की थ्योरी। सो यहाँ पे आप लोग के सामने आप लोग देखोगे तो मॉड्यूल में जो भी थ्योरी है वो भी आप लोग के बुक में एक एक चीज इनकॉर्पोरेटेड है, तो इसके अलावा आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देन फिर मैंने आप लोग को बताया स्टूडेंट नोट्स, तो वो अपने को प्रिपेयर करना है। सो जैसे जैसे अपन लोग टॉपिक को पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स करते जाएंगे, स्टूडेंट नोट्स को अपन लोग अपडेट करते जाएंगे। सो आई होप वी वर क्लियर एज रिगार्ड्स दैट ऑल्सो। फिर बाद में अपन लोग हार्डकोर टॉपिक के ऊपर आए, विच वॉज ओवरव्यू ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। क्या आप लोग को वो सिस्टम याद है या आप लोग भूल गए? क्या लगता है अगर मैं अभी आप लोग को पूछूं क्या क्या होता है, कब कब,
आरबीआई के गवर्नर क्या बनना चाहोगे देवी और सज्जनो, यस और नो? चलो तो लेट्स सी वेदर आप लोगों को याद है कि नहीं। तो पहले मैंने आप लोगों को जापान के बारे में बताया था, कैसे जापान में इन्फ्लेशन हुआ, वो इन्फ्लेशन को जापान इंटरेस्ट रेट के थ्रू मैनेज नहीं कर पाया एंड इट रिजल्टेड इनटू योर 25 इयर्स स्टैग्नेशन। बराबर, इन्फ्लेशन से ही हुआ था, इन्फ्लेशन हुआ, इंटरेस्ट रेट के ऊपर इंपैक्ट, इंटरेस्ट रेट को आप मैनेज नहीं कर पाए, स्टैग्नेशन हो गया। सेम वॉज द केस विद जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे बचपन से अपन लोगों को सुनते ही आए अपन लोग इट्स अ पुअर कंट्री, बट पहले से वो ऐसा नहीं था। इन्फ्लेशन आया एंड इन्फ्लेशन को मैनेज नहीं किया, हाइपर इन्फ्लेशन आया एज सच के उन्होंने अपना करेंसी ही पूरी की पूरी तरह से डिसकंटिन्यू कर दिया। सो दैट इज हाउ द होल इन्फ्लेशन सिस्टम वर्क्स। एंड मैंने आप लोगों को बोला कि यस ये जापान एसेट बबल या जिम्बाब्वे हाइपर इन्फ्लेशन से क्या सीखने को मिला अपने को, दैट इन्फ्लेशन हैज टू बी कंट्रोल्ड प्रॉपरली। अब मैं आपको बना रहा हूं आरबीआई का गवर्नर, मैं आपको बना रहा हूं आरबीआई गवर्नर। क्या आप आरबीआई गवर्नर बनने के लिए रेडी है एवरीवन? चलो फटाफट, अगर आप आरबीआई गवर्नर है देन इन दैट केस सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है अपने को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो मेरे को क्या कंट्रोल करना पड़ेगा पब्लिक? इन्फ्लेशन से एकदम कनेक्टेड क्या है एवरीबॉडी? अभी तुम लोगों को प्लीज एकदम एक्टिव रहना है एंड फटाफट आंसर्स देते जाने गाइस, ठीक है? जितना अपना बात हुआ था कि अपन लोग इसको पूरा का पूरा इंटरएक्टिव रखेंगे, राइट? सो आई विल अबाइड बाय, आप लोगों को भी जवाब देते जाना है सो दैट फटाफट चीजें आप लोग के दिमाग में भी हो, क्लास में ही सब चीज हो जाए एंड टेंशन नहीं। अगर आप गूगल ड्राइव पे लेक्चर देख रहे हो तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आंसर्स देते रहो, ठीक है ना? एक कनेक्शन बैठा हुआ है टेलीपैथी से, मैं आपके आंसर्स को कैच कर रहा हूं, तो आप बोलते रहो या कहीं पे लिखते रहो, वी आर टुगेदर इन इट। सो इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए मेरे को लिक्विडिटी मार्केट में कम करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, मेरे को लिक्विडिटी मार्केट में कम करना पड़ेगा। अगर मेरे को लिक्विडिटी कम करना है देन इन दैट केस मैं किसके साथ खेलूंगा तो मेरा लिक्विडिटी कनेक्टेड है? बोलो बोलो, चल चल, मेरे को लिक्विडिटी में अगर खेलना है, लिक्विडिटी कम करना है तो मैं क्या कर दूंगा? बोलो बोलो, चल चल एवरीबॉडी, करेक्ट। मैं फटाफट से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दूंगा, मैं फटाफट से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दूंगा। अब अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए तो कौन से स्टॉक्स के ऊपर, कौन से इन जनरल ऑयल से शेयर्स के ऊपर, कौन से सेक्टर्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा? क्या मैं रियल एस्टेट परचेज करूंगा क्या अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए तो? बोलो बोलो, चल चल, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो क्या मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूंगा? द आंसर इज नो, बिकॉज अगर मुझे लोन चाहिए तो मुझे तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मेरे को लोन लेना है क्या? एब्सोल्युटली नो। सो देयरफॉर मैं लोन लूंगा ही नहीं, और मेजॉरिटी ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर तो लोन के थ्रू ही चलता है। मैं लोन लेना बंद कर दूंगा, मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना बंद कर दूंगा, मेरा रियल एस्टेट का सेक्टर कहीं ना कहीं निगेटिवली प्रभावित हो जाएगा, मेरा रियल एस्टेट का सेक्टर कहीं ना कहीं निगेटिवली प्रभावित हो जाएगा। अगर मेरा रियल एस्टेट डाउन हो जाता है, इफ माई रियल एस्टेट गोज डाउन देन इन दैट केस डज अदर फैक्ट सेक्टर्स ऑल्सो गेट अफेक्टेड? द आंसर इज येस, रियल एस्टेट एंड देन देर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद सीमेंट एंड स्टील, बिकॉज इफ देर इज नो इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट तो सीधी सी बात है बिल्डिंग और वो सब नहीं बनेंगे। अगर बिल्डिंग और ये नहीं बनेंगे तो सीमेंट एंड स्टील कम यूज होगा, तो ऑब्वियसली उनका भी शेयर्स कम हो जाएगा, शेयर प्राइस कम हो जाएगा, उसी के साथ मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अटक जाएगा, पावर एंड ऑल रिलेटेड जो भी मेरी कंपनीज है उनका मार्केट डाउन हो जाएगा, राइट एवरीबॉडी? सो सीमेंट एंड स्टील की अगर मैं बात करता हूं डाउन हो जाएगा सर, इंफ्रा की मैं बात करता हूं डाउन हो जाएगा सर, राइट? पावर की अगर मैं बात करता हूं डाउन हो जाएगा सर, तो क्या पूरा स्टॉक मार्केट ही डाउन हो जाएगा या उसको बैलेंस आउट करने के लिए कुछ मेरे पास सेक्टर्स हैं? तो सर तीन सेक्टर्स हैं जहां पे थिंग्स विल गो अप, जैसे कि फार्मा, जैसे कि आईटी, जैसे कि एफएमसीजी। तो कैन आई से ये सेक्टर्स में बढ़ोतरी होगी, ये सेक्टर्स में क्या होगी, देयर विल बी अ ग्रोथ, राइट? सो ये सेक्टर्स तभी इंक्रीज होते जाएंगे। बेसिकली मेरा जो आईटी सेक्टर है वो इसलिए बेनिफिट करेगा क्योंकि मेरा यूएस डॉलर विल इंक्रीज, विल अप्रिशिएट।
बिकॉज मैं क्रूड ऑयल, और गोल्ड दोनों भी नेट इंपोर्ट करता हूं, तो ऑब्वियसली अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं डॉलर बढ़ रहा है, दैट इन दैट केस क्रूड ऑयल और गोल्ड का भी भाव बढ़ जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बॉन्ड्स का वैल्यूएशन पे क्या फर्क पड़ेगा? बोलो बोलो, चल चल। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड का वैल्यू घटता है। अभी क्लियर एवरीबॉडी? यस सर, यस सर, यस सर। क्या ये कनेक्शन कभी भूलोगे जिंदगी में? कोई नींद से भी जगा के आपको पूछे लॉजिकली तो बता दोगे उसको? यस, ये कॉन्फिडेंस पूरे SFM में अपने को स्टार्ट से एंड तक रखना है, सो दैट थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर। चारुल, चारुल पावर कंजम्पशन तेरा कम हो जाएगा ना, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स कम हो जाएंगे, सीमेंट एंड स्टील का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कम हो जाएगा, तो ये तीनों को पावर चाहिए। रियल एस्टेट को पावर चाहिए, रियल एस्टेट डाउन तो उसका पावर कंजम्पशन कम हो गया, सीमेंट एंड स्टील ऑपरेट करने के लिए पावर कम, इंफ्रा पावर कम, समझा क्या? चलो अभी क्लियर एवरीबॉडी? यस सर, यस सर, सब पास। चलो इसी के साथ कहानी को अब अपन लोग लेके चलते हैं अगले पायदान पे, नेक्स्ट लेवल के ऊपर। एंड अब अपन फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर। कौन सा चैप्टर? जिसका नाम है म्यूचुअल फंड्स। बट 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 आप लोगों को एक बात बता दूं मैं, हाँ बट नहीं नहीं देख दे चारुल, गलत गलत गलत, देख यहां पे कॉन्सेप्ट से हिल गया चारुल। फार्मा, FMCG, IT कोई बहुत बढ़ नहीं रहा है, ये तो फार्मा तो स्टैग्नेंट ही है। मैं पहले जितना दवाई खाता था अभी भी उतना ही दवाई खाऊंगा, ये तो वो सेक्टर्स में अब मैं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूं, इसके लिए लोग इस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे और इसका शेयर प्राइस बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि फार्मा का बिजनेस इंक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि FMCG का बिजनेस इंक्रीज हो रहा है इसलिए उसका प्राइस बढ़ रहा है। मार्केट सेंटिमेंट्स यहां पे डाउन है इसके लिए अपन वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो डिमांड की वजह से उसका प्राइस बढ़ रहा है, इसलिए नहीं कि FMCG में मैं रोज 2 बार नहाना चालू कर दूंगा या 3 बार दिन में शैम्पू करना चालू कर दूंगा, तो उसका कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है। फार्मा और FMCG का कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है कि उसकी वजह से वो पावर कंजम्पशन बढ़े वो सेंटिमेंटली पब्लिक वहां पे अभी इन्वेस्ट करेगा क्योंकि ये मार्केट डाउन है, इसके लिए फार्मा और FMCG बढ़ेगा। चारुल कॉन्सेप्ट से हिल गए आप, समझा समझा चारुल तेरे को लॉजिक? चलो, सो ऑन दैट नोट, एज आई टोल्ड यू, एवरीथिंग इज लॉजिकली कनेक्टेड एंड थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। नहीं हो तो हम तो है ही आपको जवाब देने के लिए। कूल कूल कूल। अब मैं आ रहा हूं जैसा मैंने बोला चैप्टर के ऊपर, बट अगर आप लोग मेरा सिस्टम समझ में गए होगे ना तो सीधा मैं कोई चैप्टर के ऊपर नहीं आऊंगा, पहले उसका एक बैकग्राउंड होता है, समझना पड़ेगा क्यों आया ये चैप्टर, कैसे आया, और फिर मैं बोलूंगा आप दिस इज द रीजन This chapter was introduced, समझे? Yes, so सोनाग्रा रोहित, ये वाला जो पॉइंट है इसको अपन लोग और क्लैरिटी लेंगे जब अपना फॉरेक्स करेंगे, मजा आ जाएगा वो टाइम पे, राइट? वो फॉरेक्स का तो पूरा गेम ही डॉलर यूरो के ऊपर है, सो डेफिनेटली यू विल गेट अ फुल क्लैरिटी एज वेल। सी कैसा होता है जब इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, क्या होता है पता है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो तेरा जो रूपी है ना, रूपी एक कॉन्सेप्ट है परचेसिंग पावर पैरिटी, खैर वो तो तभी अपन पढ़ेंगे, बट इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना तो तेरा जो रूपी है ना उसका वैल्यू कम हो रहा है, जब तेरा रूपी का वैल्यू कम हो रहा है डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा, दैट इज व्हाट अप्रिसिएशन ऑफ डॉलर विल लीड टू। बट अगेन फॉरेक्स करना ही अपने को डिटेल में, विल टैकल इट एट दैट पॉइंट इन टाइम एज वेल। रूपी डेप्रिसिएट, डॉलर अप्रिसिएट। चलो, सो अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को कि चलो, सो अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को कि आप लोगों को मार्केट का थोड़ा थोड़ा आइडिया तो आना चालू हो गया। अभी सुनो, ये जो इंटरेस्ट रेट है ये कौन डिसाइड करता है, ये कौन डिसाइड करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नो, दिस इंटरेस्ट रेट इज डिसाइडेड बाय द RBI गवर्नर, मॉनिटरी पॉलिसी होता है
और उनका एक टीम होता है, वो डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट रेट्स पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। क्या आपको पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, रेपो रेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? द आंसर इज यस। बट उसके लिए आपको क्या मैंने बोला था कल, करेक्ट, न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपका ना, जिस दिन आरबीआई गवर्नर इंटरेस्ट रेट के साथ खेलेगा ना, उस दिन हेडलाइन पे आ जाएगा क्या होने वाला है। मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब इसमें ना देखो पॉलिटिक्स भी कई बार इन्वॉल्व होता है, अंदर का बात बता रहा हूँ, किसी को बाहर जाके बताना मत। अभी आरबीआई का गवर्नर कौन है आपको पता है? नहीं, आपको नहीं पता होगा। आपको सर हमको क्या लेना देना है सर, हम भले हमारा आर्टिकलशिप भला, उसके अलावा हमारे को दुनिया में और क्या चल रहा है ना, हमारे को कुछ नहीं पता है सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांता दास, उनके पहले आरबीआई के गवर्नर कोई और थे, मिस्टर पटेल, उर्जित पटेल। अब हुआ क्या कि अब देखो कैसे पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है, देखो ये सब कुछ कुछ चीजें मैं आपको अंदर की बता रहा हूं, ये अपने बीच में ही रहनी चाहिए, ठीक है। सो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इकोनॉमी में, तो आपको लिक्विडिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। लिक्विडिटी को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओगे, सीधी सी बात है। तो वो टाइम के जो गवर्नर थे उर्जित पटेल, उन्होंने बोला कि बॉस मैं अभी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, लिक्विडिटी को मैनेज करना है। तो सीधी सी बात है, एज आरबीआई गवर्नर आई विल वांट टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। बट वो टाइम पे ना कोई तो भी इलेक्शन चालू था, कोई तो भी इलेक्शन चालू था। तो मतलब इलेक्शन अगर है और अगर मैंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया और अगर ये सब सेक्टर्स जो एकदम बूमिंग सेक्टर्स है ये डाउन आ जाए, तो कहना इसे वो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बोलो बोलो, चल चल। तो उन्होंने बोला गवर्नर को कि बॉस ये इंटरेस्ट रेट कम करने की जरूरत नहीं है, या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेट इट बी व्हाट इट इज, या इसको थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। गवर्नर बोला नहीं 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 आई विल नॉट अग्री टू यू, समझ रहे हो। एंड देन द गवर्नर गॉट रिप्लेस्ड। करेक्ट, पटेल से पहले मिस्टर रघुराम राजन थे, तो रघुराम राजन के बाद उर्जित पटेल, उर्जित पटेल के बाद अभी शक्तिकांता दास है। एंड दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क। सो आपको थोड़ा वो चीज से बता रहा हूं मैं कि इंटरेस्ट रेट कितना इंपॉर्टेंट है। सो वो टाइम पे इन्फ्लेशन वॉज देयर, सो इंटरेस्ट रेट हैड टू बी इंक्रीज टू मैनेज द लिक्विडिटी। बट क्या बोलू मैं, चलो एनीवेज कहानी को आगे बढ़ाते हैं। समझ में आया क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं? तो वाई उर्जित पटेल हैड सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एंड देन उसके बाद शक्तिकांता दास इज गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड ही इज इन सिंक विद द करेंट गवर्नमेंट, तो चीजें सही चल रही है। क्यों? चलो गाइस लेट्स मूव ऑन। चलो भाई अब कहानी को आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है। चलो सो अभी मुझे कुछ कुछ तुम पॉलिटिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हो, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। हाँ, लेक्चर खत्म होने के बाद जितना पूछना है पूछो, जवाब देता हूं मैं। बट अभी ओके सो चलो अभी मैं क्या बोल रहा हूं तुम लोगों कि चल अब मैं क्या बोल रहा हूं कि तुम लोग का पढ़ाई चल रहा है अभी जोर शोर में, ठीक है। अभी कौन सा मंथ चल रहा है बाय द वे, जस्ट आस्किंग यू, कौन सा मंथ चल रहा है अभी? करेक्ट, से फॉर एग्जाम्पल सर अभी चल रहा है जून, और तुम लोग का एग्जाम है से नवंबर में, से तुम लोग का एग्जाम है नवंबर में, लेट्स से अभी जून चल रहा है एंड लेट्स से अपना एग्जाम है नवंबर में। ऑलराइट, नाउ इफ दिस इज द सिनारियो, इफ दिस इज द सिनारियो, तो क्या हो जाता है पता है क्या? आप लोग तो ये 5 महीना पूरा फोकस के साथ स्टडीज के ऊपर लगे हुए हो, मतलब आप लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है किसी भी चीज का, दिन रात लेक्चर। मतलब कितने सारे स्टूडेंट्स तो मेरे यही बैच के हैं जो सुबह मेरा SFM बैठ रहा है, इवनिंग में मेरा SCMP बैठ रहा है, राइट। सो तौशीफ है आई थिंक, चारुल है एंड अदर्स। सो टाइम ही नहीं है आप लोगों के पास, 6-7 घंटा तो आप लोग मेरे साथ ही हो यहाँ पे, प्लस आप लोग के खुद की कुछ सेल्फ स्टडीज चल रही होगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आप लोग बहुत ज्यादा बिजी हो लाइफ में, ठीक है। बट आप लोग को पता चला है कि यार इंडिया ये टाइम पे, अगर आप लोग, तुम लोग मालूम है इकोनॉमिक टाइम्स या कोई पे ये इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी आता है कि पूरे वर्ल्ड में रिसेशन होने का चांसेस है, बट इंडिया में रिसेशन होने का चांसेस कितना परसेंट है, समझ रहे हो? जैसे अभी यूरोप में
रिसेशनरी ट्रेंड्स चालू है, अमेरिका में फेस रिसेशन वेरी सून, बाकी बहुत सारे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, दे आर ऑलरेडी टैकलिंग दे आर ओन पर्सनल कंट्री इश्यूज, सो ये सब जगह पे ऐसा सब इश्यूज चालू है। इंडिया में क्या चांसेस है रिसेशन होने का? द आंसर इज, मानसी ने सही जवाब दिया है, वेरी लेस। इनफैक्ट कुछ कुछ सर्वेस तो ऐसा कहते हैं कि इंडिया में रिसेशन होने का 0% चांसेस है, इंडिया में रिसेशन नहीं होगा। अब से मैं अमेरिका में बैठा हूं या यूरोप में बैठा हूं, ठीक है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, सोच समझ के भी देखो, तुम लोग को जवाब देना है, जितना तुम लोग जवाब दोगे उतना सेशन इंटरएक्टिव होगा। अगर मुझे कोई पॉइंट पे लगा कि ये लोग जवाब नहीं दे रहे तो मैं इसको इंटरएक्टिव करना बंद कर दूंगा और मैं आऊंगा, पढ़ाऊंगा, नॉलेज दूंगा, मतलब जो भी मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, फॉर्मूलाज और सम कराना है वो करा के चला जाऊंगा, मेरे को तो वही करना है एंड ऑफ द डे। मैं इसको इंटरएक्टिव एग्जांपल्स के थ्रू इसीलिए बना रहा हूं सो दैट इट बिकम्स गुड फॉर यू गाइस, सो दैट ऑल डिपेंड्स, जितना आप इंटरैक्ट करोगे उतना मेरे लिए ये चीज बेटर होते जाएगा एंड आई विल बी यूजिंग दैट टेक्निक। सो बात कुछ ऐसी है कि आप ऐसा सोचो कि आप बैठे हो अमेरिका में, आप बैठे हो यूरोप में और आपके पास बहुत सारा पैसा है आज की तारीख में, आप मेरे को बताओ क्या आप, यस, क्या आप आज की तारीख में, आप अमेरिका में बैठे हो, आप यूरोप में बैठे हो, बट क्या आप अमेरिका या यूरोप में इन्वेस्ट करना चाहोगे, या क्या आप जर्मनी, यूरोपियन कंट्री है, या फिर से फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, पाकिस्तान, क्या ऐसी कोई जगह पे आप इन्वेस्ट करना चाहोगे? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो सर। तो आप कहां पे इन्वेस्ट करना चाहोगे? ये आपने रिसेशन का पूरा ट्रेंड देखा, आपने देखा यार कौन सी कंट्री का ग्रोथ हो रहा है, आप कौन सी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहोगे? करेक्ट। सो आप लोग सब बोल रहे हो कि सर हम तो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, भले ही आप अमेरिकन सिटीजन हो, आप यूरोप में बैठे हो, पैसा है आपके पास और आप इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहोगे। अब इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट आया कि बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आपने ये न्यूज पढ़ लिया, आपको लगता है यार इंडिया का तो बहुत बड़ा ग्रोथ का पॉसिबिलिटी है, इंडिया का तो बहुत बड़ा ग्रोथ का पॉसिबिलिटी है, तो अब क्या आप ऐसे टाइम पे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहोगे, हा या ना? द आंसर इज येस सर, डेफिनेटली हम लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि अगर बाहर का भी पैसा आ रहा है तो डिमांड बढ़ेगा, अपनी कंट्री में डिमांड बढ़ेगा तो सीधी सी बात है उस चीज का प्राइस बढ़ेगा। बट प्रॉब्लम क्या है पता है क्या आपको? आपको ये तो समझ में आ गया कि इंडिया का प्रोस्पेक्ट अच्छा है, ग्रोथ होने वाला है, बट अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास तो टाइम ही नहीं है, आपके पास तो टाइम ही नहीं है ये सब इन्वेस्ट करने का, ठीक है, तो ये जब FIIs आते हैं, सो FIIs थोड़ा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा स्टॉक मार्केट इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो जब ये लोग आएंगे, ठीक है ना, सो जेपी मॉर्गन 500 करोड़ का फंड लेके आएगा तो जेपी मॉर्गन इंडिया के इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्ट करेगा, उसके रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करेगा, गोल्ड में भी इन्वेस्ट करेगा, सब जगह इन्वेस्ट करने वाला है। अब जब ये सब जगह पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है, एट दैट पॉइंट इन टाइम सीधी सी बात है उनका प्राइस और वैल्यू बढ़ जाएगा, क्या आप इस चीज का फायदा उठा पाओगे क्या? द आंसर इज नो सर, बिकॉज आप तो 5 महीना इतना बिजी हो कि आपको लग रहा है यार मेरे पास जो पैसा है मैं तो इसको FD में डाल देता हूं और FD में जो रिटर्न आएगा वो ठीक है, बट FD का रिटर्न तो कितना मामूली, 5-6% होता है, तो सीधी सी बात है कि आप वो जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो आप करोगे क्या? ठीक है, अब समझो एक बात को, अगर आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना, या FD के अलावा किसी चीज में इन्वेस्ट करना है, तो इंसान को है ना दो चीजें होना बहुत जरूरी है, टाइम प्लस नॉलेज, क्या? दो चीजें होना बहुत जरूरी है, टाइम प्लस नॉलेज। आप बोलोगे कि सर नॉलेज तो हम लोग के पास पूरा है, सर हम लोग ने तो SFM किया हुआ है, सर हमारे पास तो बहुत सारा नॉलेज है, बट क्या आपके पास टाइम है क्या? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। आप मेरे को कॉल करते हो कि सर मेरे को लग रहा है ना सर बहुत ग्रोथ होने वाला है, क्या करूं मैं? सर मेरे पास तो टाइम और नॉलेज, टाइम नहीं है नॉलेज है, क्या करूं मैं? मैं बोला एक काम कर, सुनना भाई मेरे पास भी नॉलेज है, तुझे जो नॉलेज है वो मेरे से ही तो आया है, तो मेरे पास भी नॉलेज है और मेरे पास टाइम भी है, मैं तो फ्री हूं, मेरा तो सुबह 7 से 10 तक क्लास है,
उसके बाद 6 से 9 क्लास है, फिर 10 से 6 मेरे को क्या करना है, तो वो टाइम पे मार्केट में ही तो मेरे को खेलना है, तो मेरे पास तो टाइम भी है, मेरे पास तो नॉलेज भी है, तो अब आप मेरे को क्या बोलोगे, बोलो बोलो चल चल। तो सर क्यों ना आप हमारा ये पैसा ले लो और ये पैसा हमारे बिहाफ पे इन्वेस्ट करो। मैं बोला चलेगा, बट क्या मैं ये काम फ्री में करूंगा क्या? नहीं, मैं प्रोफेशनल हूं, प्रोफेशनल कोई भी काम फ्री में नहीं करता है। तो कहना इसे मैं आपसे कुछ चार्जेस लूंगा, द आंसर इज येस। आप बोलोगे हक से सर आप ये चार्जेस ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है डन है, तो कितना पैसा है तुम्हारे पास? तो आप बोलोगे सर, आप बोलोगे सर हमारे पास है ना 15 लाख रुपए है, और वो 15 लाख रुपए कहां से आए? जी हाँ, तो वो 15 लाख आ गए हैं आपके पास, बहुत बहुत बधाई हो। सो आप लोगों के पास 15 लाख रुपए आ गए हैं, जी हाँ, आप भारत देश के नागरिक हैं और भारत देश के हर नागरिक के पास 15 लाख रुपए है उसके अकाउंट में। तो आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए, आपको लग रहा है यार अब 5 महीना इंडिया का तो पैसा डबल होने वाला है, इंडिया तो बहुत ग्रोथ करने वाला है, बट अगर ये ग्रोथ करना है और मैं एफडी में डालू 5% कमाऊ तो क्या फायदा? तो मैं मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, बट मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूं कैसे? मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, नॉलेज है। तो आपने बोला कि क्यों ना ये पैसा मैं एक ऐसे इंसान को दे दूं जो टाइम भी है, नॉलेज भी है, और वो मेरा पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो बेसिकली आप मेरे को बोल रहे हो कि सर आप मेरे पोर्टफोलियो को मैनेज करो, पीएम आप मेरे पोर्टफोलियो को मैनेज करो, आप मेरे पोर्टफोलियो को मैनेज करो। बट ये जब मैं डिस्कशन कर रहा हूं आपके साथ, तो आप लोग बहुत सारे जनों से 200-250 लोग हो जो आप लोग मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो, प्लस आप लोग के लाइब्रेरी में इतने सारे फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी पूरा टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग के भी तो अकाउंट में 15 लाख रुपए आए हैं। आप सब लोग जो बैठे हो यहाँ पे, इतने सारे लोग मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आप लोग के भी तो अकाउंट में 15 लाख आए हैं। तो आप लोग क्या बोलते हो, सर ऐसा करो ना, देखो 15 लाख रुपए है, पूरा का पूरा तो हम आपको नहीं देंगे सर, थोड़ा तो हम लोग भी है ना उसको एफडी में डाल देंगे, 5 लाख रुपया इंसान को एफडी में रखना चाहिए, बट सर 10 लाख रुपया तो मैं मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, और सर मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ ये पूरा का पूरा ये बैच है, मेरे कितने सारे लाइब्रेरी के फ्रेंड्स हैं, वो सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सारे लोगों का एक ही प्रॉब्लम है, नॉलेज है पर टाइम नहीं है। आपके पास टाइम भी है, आपके पास नॉलेज भी है, क्यों ना हम 500 लोगों का ये सारा पैसा हम आपको दे देते हैं। ये 500 × 10 लाख कितना होता है भाई? अपना तो गणित थोड़ा अच्छा नहीं है, थोड़ा मुझे हेल्प करो ना, बताओ ना मुझे कितना होता है, बोलो बोलो चल चल। बोलो, अरे बोलो यार, शर्मा क्यों रहे हो कि तुम लोग से इतना कैलकुलेशन नहीं होता है? लो कैलकुलेटर पे करो, लो 10 लाख × 500, ओ गिना ही नहीं जा रहा है, 50 करोड़ रुपया मिस्टर भांभनी आने वाला है, 50 करोड़ रुपया, ठीक है। सो यहां पे मैं लिख देता हूं 50 करोड़ रुपया आ गया है मेरे पास, कितना? 50 करोड़। अब ये 50 करोड़ रुपीस जो आप लोग सब लोग की तरफ से मेरे पास आया है, आप बोलते हो कि सर ऐसा करो कि ये जो पैसा है ये आप इन्वेस्ट करो। मैं आपको पूछता हूं कहां पे इन्वेस्ट करूं, क्या लगता है? तो आप बोलते हो कि सर थोड़ा सा इसमें से पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, देखो सुनो, जब आप अकेले थे तो आप मेरे को खाली 15 लाख या 10 लाख रुपए दे पा रहे थे। अब आप तो चाहते हो कि इंडिया का शेयर मार्केट भी बढ़ने वाला है, आपको पता है इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट भी बढ़ने वाला है, आपको पता है गोल्ड भी बढ़ने वाला है, डॉलर भी अच्छा ही चल रहा है, क्रूड ऑयल भी बढ़ने वाला है, ये सब आप लोग ने एनालिसिस कर लिया है। तो जब ये पूरा का पूरा सब चीजें बढ़ने वाली है, तो 15 लाख रुपए मैं अकेला कहां पे इन्वेस्ट करूं? इसी के लिए बनता है म्यूचुअल फंड। अब 50 करोड़ रुपया है, क्या 50 करोड़ रुपए को अपन लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं क्या? द आंसर इज येस। अब आप बोलोगे सर इसमें से शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करो, रियल एस्टेट में डाल दो, गोल्ड में डाल दो, क्रूड में डालो, डॉलर में इन्वेस्ट करो, ये सारी जगह पे इन्वेस्ट करो, और सर हम लोग को कैसे भी करके 15% रिटर्न लाके दो, ताकि जब हम एग्जाम देके आए आज से 5 महीने बाद, तो हमारा 10 लाख रुपए का 12 लाख रुपए हो जाए। बोला वाह क्या आइडिया है,
जरूर जरूर, आई कैन डू दैट एंड आई विल डेफिनेटली डेफिनेटली वॉन्ट टू डू दैट. अभी अंडरस्टैंडिंग आई, समझ में आ रहा है तुम लोग को? सो 10 लाख का 12 लाख मेरे को अगर करना है, मेरे को मेरा फंड्स को यूज करना है इन अ बेटर वे, तो मैं एक प्रोफेशनल आदमी को दूंगा जिसके पास टाइम भी है, जिसके पास नॉलेज भी है, एंड वो दोनों चीज को यूज करके, एंड वो दोनों चीज को यूज करके डेफिनेटली वी विल बी एबल टू अर्न अ बेटर अमाउंट ऑफ रिटर्न. एंड दिस इज वॉट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ समथिंग कॉल्ड एज म्यूचुअल फंड्स. आया कैसे ये वर्ड? देखो, आप लोग के पास फंड्स है, आप लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया. क्या म्यूचुअली डिसाइड किया? कि इस इंसान को जिसके पास टाइम और नॉलेज दोनों है, उसको हम लोग ये म्यूचुअली डिसाइड करके फंड्स देते हैं, हु विल अर्न रिटर्न फॉर अस. एंड इस रिटर्न के जगह पे इस इंसान को हम थोड़ा मैनेजमेंट फीस दे देंगे या इसका प्रोफेशनल फीस दे देंगे. उसके बाद जो बचता है वो सारा का सारा हमारा प्रॉफिट, हम हमारा पढ़ाई करेंगे. ये बंदे को एक फीस दे दिया, ये अपना काम करेगा, जब हमारा पढ़ाई खत्म तो हमारे को प्रॉफिट मिल जाएगा. गिविंग राइज टू द होल कॉन्सेप्ट ऑफ, यस एवरीबॉडी, म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स. इसका पूरा हिस्ट्री मैं आप लोग को बता सकता हूं. ईयर 1774 में पहला म्यूचुअल फंड एस्टैब्लिश हुआ था. एंड वो म्यूचुअल फंड एस्टैब्लिश जब हुआ था ना, वो इस ही बेसिस पे हुआ था, नेदरलैंड्स में. जी हाँ, क्या आपको समझ में आया? कैसे आया ये पूरा का पूरा चीज? आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? कैसे आया ये म्यूचुअल फंड्स का सिस्टम? बोलो बोलो, चल चल. यस, वाओ. एंड यूजुअली मैंने देखा है कि अच्छा खासा रिटर्न्स मिलता है व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग रेगुलर बेसिस पे. जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, यू गेट द रिटर्न्स दैट यू डिजायर फॉर श्योर. क्लियर एवरीबॉडी? सो मेन गेम किसका है पता है क्या? या तो आपके पास टाइम नहीं है, या तो आपके पास नॉलेज नहीं है, या आपके पास दोनों नहीं है. से फॉर एग्जाम्पल, अपने पेरेंट्स है, अपने पेरेंट्स ये शेयर मार्केट से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं. बोलते हैं, अरे ये शेयर मार्केट, वेयर मार्केट सब सत्ता, ये है सट्टा है, ये सब के ऊपर कुछ विश्वास नहीं है. तो वो लोग को नॉलेज नहीं है, प्लस वो लोग अपने काम में बिजी है, वो लोग के पास टाइम भी नहीं है. तो अगेन, गिव इट टू द म्यूचुअल फंड, लेट देम डू द रोल व्हाट दे कैन डू द बेस्ट. सो जब म्यूचुअली ठीक है, फंड्स इकट्ठा होता है and it is given to a professional who has time plus who has knowledge, जैसे आप लोग के केस में आप लोग ने दिया ये सारा का सारा SK को, at that point in time SK अपना professional fees लेके, SK अपना professional fees लेके जो आपको return देगा, that basically is the role of mutual funds. समझ गए everybody? म्यूचुअल फंड का रोल इंटरमीजरी जैसा होता है क्या? यस भरत, एब्सोल्युटली सही, बिल्कुल बिल्कुल. एंड ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1774 इन नेदरलैंड्स. जी हाँ, तो नेदरलैंड्स में एक बंदा था, उसका नाम भी मेरे को पता है, उसका नाम है वेन कैटविच, वीके, विराट कोहली के जैसे. याद रखना, आप लोगों को ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरे पास जो है नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, लिख के रखा है मैंने आप लोग के लिए कि भाई कभी टाइम हो तो पढ़ लेना, अच्छी चीजें ही है, क्या बोलते हो, राइट? सो वेन कैटविच ने नेदरलैंड्स में एक म्यूचुअल फंड ऐसा ही कुछ फॉर्म किया, एंड उसके बाद सारी दुनिया इसको यूज करने लगी, सारी दुनिया इसको यूज करने लगी. अभी क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया म्यूचुअल फंड्स का सिस्टम कहां से आया? देखो, म्यूचुअल फंड्स आई एम श्योर आप लोगों को पता है क्या है, बट उसका दिस इज हाउ इट वर्क्ड एक्चुअली, ठीक है ना? टाइम नॉलेज का गेम था, एंड दैट इज वेयर दिस होल सिस्टम केम इन टू द पिक्चर. सो अब अपने को सर समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड क्यों होता है और क्यों जरूरी है. तो क्या आप लोग सब लोग के 10-10 लाख रुपए आज ट्रांसफर कर दोगे मेरे बैंक अकाउंट में? बोलो बोलो, चल चल. अरे कमा के दूंगा यार, एग्जाम देके आओगे तब तक 10 लाख का 12 लाख करके दूंगा यार, क्या बात करते हो? पक्का श्योर, एकदम 100%. चलो, किसने ये सिस्टम लाया था याद है क्या? कौन लाया था ये सिस्टम 1774 में? कहां पे आया था ये सिस्टम फर्स्ट टाइम? नेदरलैंड्स में. कौन लाया था? विराट कोहली.
वीके, वीके मतलब वेन कैटविच, अपने को उसका नाम हम याद रखने का, कहां पे आया था, कब आया था, कुछ जरूरत नहीं, ये तो खाली आप लोग को नॉलेज दे रहा हूं, कल उठ के यार आप लोग को कोई पूछे तो चीजें पता होनी चाहिए। चलो ठीक है, क्या बोल रहे हो, लोन मिलेगा, रोहित बोल रहा है ही नहीं। अरे क्या यार, कोई बात नहीं यार, किधर से चोरी करो, डाका डालो, दो यार, दस दस लाख रुपए, कम ऑन यार। चलो सो नेदरलैंड्स, तो तुम लोगों को नहीं मिला क्या वो पैसा? मिलेगा मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। चलो चलो, सो 1774 में नेदरलैंड्स वेन कैटविच इज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड दिस स्कीम। और तब, अब मैं आप लोगों को रियल स्टोरी बताऊं क्या हुआ था वो टाइम पे और कैसे सब चीजें फंडामेंटल आते गए। अभिषेक बोलता है कि सर हमारे पास टाइम और नॉलेज दोनों है बट पैसा ही नहीं है, सबसे बड़ा इश्यू, टेंशन ही खत्म। तो भाई क्या ही बोलू तेरे को अभी मैं। हाँ समीक्षा बोलती है आज ही ट्रांसफर करूंगी बट 30% रिटर्न चाहिए, 30% रिटर्न। बराबर, श्योरिटी मैं 12% का दे सकता हूं, 30% तो कुछ भी है, 12% तो मैं रिटर्न लाके दे सकता हूं, ये तो फॉर श्योर है। 12% के ऊपर भाई अपन कुछ नहीं बोल सकते, जो है वो बोल रहा हूं। बोलो चाहिए क्या, करना है क्या अपने साथ सिस्टम, बोलो सब लोग दोगे, 1-1 लाख रुपया दे दो, चलो सब लोग बैच वालों यार करके दिखा दो मस्त उसको, 10 का 12 कर दूंगा, 10 का 12। चलो एनीवेज, सो अब आ जाओ इधर 1774 नेदरलैंड्स वीके। अब हुआ क्या ये सिस्टम, ध्यान से समझना ठीक है, सुनो ध्यान से समझना। वेन कैटविच को एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखा नेदरलैंड्स में। ओ भाई सुन रहे हो क्या मेरा बात, सुन रहे हो ना, सुनो ठीक है। वेन कैटविच को एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखा नेदरलैंड्स में, पर वो भाई साहब के पास तो पैसा था नहीं। उसने नेदरलैंड्स के लोगों को बोला कि सुनो नेदरलैंड्स वालों, जैसे मैं आज तुम लोग के साथ बात कर रहा हूं ना, वेन कैटविच भी वैसे ही तुम लोग के साथ बात कर रहा, वो लोग अपने नेदरलैंड्स के लोगों के साथ बात कर रहा था। उसने बोला कि सुनो मेरे पास एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और ये इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग करोगे ना, देन इन दैट केस आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अब जिसके पास भी पैसा होता है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इज ऑलवेज वेरी ईगर। उसने बोला कि सुनो टोटल मेरे को अप्रोक्सीमेटली, उसने कितना बोला था, ही सेड वो टाइम पे मेरे को 20 लाख रुपए चाहिए, कितने चाहिए, 20 लाख रुपीज मेरे को चाहिए और हर बंदे से मुझे ज्यादा नहीं 1000 रुपए ही चाहिए, ठीक है, कितना चाहिए, 1000 रुपए चाहिए मेरे को हर बंदे से। तो अगर उसको 20 लाख रुपीज चाहिए, उसको ध्यान से समझना कैसे ये सब सिस्टम आया, मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूं। उसने बोला कि मेरे को 20 लाख रुपए चाहिए, एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और मेरे को चाहिए हर बंदा ₹1000 पर पर्सन दे, तो टोटल मेरे को कितने लोग चाहिए ये काम के लिए, बोलो बोलो चल चल, कितने लोग मेरे को चाहिए, कैन आई से 2000 पीपल चाहिए, अरे बोलो, यस ठीक है। तो उसने बोला कि मेरे को टोटल 2000 लोग चाहिए और मैं चाहता हूं ये 2000 लोग 1000 रुपए भरे ताकि मेरे पास 20 लाख रुपए आ जाए। ये 20 लाख रुपए जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इसको मैं कहीं और इन्वेस्ट करूंगा और आप लोग को रिटर्न लाके दूंगा। अब कुछ लोग आके बोलने लगे कि मेरे को ज्यादा पैसा देना है तो मैं क्या करूं, समझ रहे हो। और दूसरा, वेन कैटविच ने नोट किया कि टोटल 2000 लोग उसको नहीं मिल रहे जो ये पैसा उसको दे पाए, तो ना 2000 लोग मिल रहे हैं और यहाँ पे दूसरे साइड पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे को 1000 नहीं, मेरे को, मैं एक ही पर्सन हूं बट मेरे को 5000 रुपए देने, कोई बोल रहा है मेरे को 10000 रुपए देने, कोई बोल रहा है मेरे को 2000 रुपए देने। तो ऐसे सिचुएशन में उसने फिर बाद में ये सिस्टम लाया, उसने बोला कि अच्छा ऐसा करता हूं मैं ये 2000 पीपल से नहीं लूंगा, मैं इसकी जगह पे एक यूनिट इशू करूंगा और उसको उसने नाम दिया यूनिट्स, जो आज भी यूज होता है। और उसने बोला कि ठीक है मैं ना 2000 यूनिट्स इशू करूंगा और एक यूनिट का भाव होगा ₹1000। और फिर उसने बोला कि जिसको भी
चाहिए वो ये यूनिट खरीद ले। तो अगर मेरे पास 5,000 रुपए है तो मैं वेन कैटविच को जाके क्या करूंगा, मैं वेन कैटविच को जाके क्या दूंगा, 5,000 रुपए दूंगा। वो मुझे सामने क्या देगा, करेक्ट, वो मुझे सामने देगा 5 यूनिट। क्या देगा? 5 यूनिट। अब हुआ क्या पता है, इस चीज का नाम रखना था तो उसने बोला कि ये देखो अपन लोग साथ में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, भाई ये वेन कैटविच का तो पैसा है नहीं पूरा का पूरा, बाकी लोगों से भी वो पैसा ले रहा है। एंड उसने इसका नाम रखा यूनिटी क्रिएट्स स्ट्रेंथ। जी हाँ, इस म्यूचुअल फंड का नाम ही रखा, तुम लोग ने नाम सुना होगा ना, ब्लैक रॉक ग्रोथ फंड, SBI ब्लू चिप फंड, क्या बोलते ना, मीरा एसेट फंड, ऐसे सब नाम सुना होगा ना, वैसे उसने इस म्यूचुअल फंड का नाम रखा यूनिटी क्रिएट स्ट्रेंथ, जिसका मतलब उनकी लैंग्वेज में होता है इंड्रग्ड माउक्ट माउक्ट व्हाटएवर, जो अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। बट म्यूचुअली उसने ऐसे करके पैसा इकट्ठा करना चालू किया, समझ रहे हो तुम लोग। सो अब हमारा जो वेन कैटविच है, हमारा जो भाई है वेन कैटविच, उसने मार्केट में कितने यूनिट्स इशू किए, बोलो बोलो चल चल, उसने मार्केट्स में कितने इशू यूनिट्स इशू किए, करेक्ट, कहना इससे उसने मार्केट में 2,000 यूनिट्स इशू किए, ठीक है। एक यूनिट का कितना भाव रखा, एक यूनिट का कितना भाव रखा, कहना इससे 1,000 पर यूनिट। यस एवरीबॉडी, यस सर। अच्छा अब क्या कोई भी आके कभी भी ये यूनिट खरीद सकता है क्या? द आंसर इज नो। वेन कैटविच ने बोला अगर आपको ये यूनिट चाहिए तो 1 जून से लेकर 10 जून तक ही आप ये यूनिट ले सकते हो। अगर आपने इस दरमियान यूनिट्स को नहीं लिया देन इन दैट केस मैं आपको नहीं दे पाऊंगा ये यूनिट्स। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइज, यस और नो? समझ में आया ये तीनों चीजें, समझ में आई ये तीनों चीजें? तो या तो आप 1 जून से लेकर 10 जून के बीच में ले लो, अदरवाइज गया। अब ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम को नाम देने लगे वो लोग। ये जो यूनिट्स है इसको कहते हैं म्यूचुअल फंड यूनिट्स। क्या बोलते हैं इसको? म्यूचुअल फंड यूनिट्स। ये जो इसने 1 जून से लेके 10 जून का टाइम रखा ना, इसको कहते हैं NFO। नाम सुना है? न्यू फंड ऑफर, समझे? न्यू फंड ऑफर। अच्छा क्या अगर मैं 11 जून को वेन कैटिज के पास जाऊं, अगर मैं 11 जून को वेन कैटिज के पास जाऊं तो क्या मेरे को वेन कैटिज देगा क्या यूनिट्स? द आंसर इज नो। तो ऐसे फंड्स जो खाली वो ड्यूरेशन, जो NFO का ड्यूरेशन है वही ड्यूरेशन में आप अगर उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसे फंड्स को कहते हैं क्लोज्ड एंडेड फंड। आपका मन चाहे तब आप नहीं जा सकते हो, ये जो ड्यूरेशन है इसी क्लोज्ड ड्यूरेशन में आपको जाना पड़ेगा, इसको कहते हैं क्लोज्ड एंडेड फंड्स, इसको कहते हैं क्लोज्ड एंडेड फंड्स। ए समझी गुडू एवरीबॉडी, बोलो बोलो चल चल। तो मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं, तो क्लोज्ड एंडेड फंड ये हुआ, तो ओपन एंडेड फंड क्या होगा? ओपन एंडेड फंड में आप कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, एब्सोल्यूटली करेक्ट। बट अब इसमें सिस्टम क्या होता है वो मैं बताता हूं आप लोग को कि क्या फर्क होता है दोनों में, ठीक है ना? सुनो सुनो सुनो, अभी आप लोग ने मजाक मजाक में म्यूचुअल फंड्स के दो टाइप सीख लिए। देखो म्यूचुअल फंड क्या है ना, एक स्ट्रक्चर होता है, म्यूचुअल फंड का एक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर में दो तरह के म्यूचुअल फंड होता है क्या, एक होता है क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। तुम लोग सब लोग ने सुना होगा ये बात, कोई डाउट नहीं उसमें। क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड क्या बोलता है कि आप खाली NFO पीरियड में ही इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्ट ओनली इन NFO पीरियड। NFO मतलब क्या होता है बच्चा? इन्वेस्ट
ओनली इन एनएफओ पीरियड। मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा, एनएफओ पीरियड का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो, चल चल। एनएफओ पीरियड का मतलब होता है ये ड्यूरेशन जहां पे मेरा न्यू फंड ऑफर आया है, इसको कहते हैं एनएफओ पीरियड, इन्वेस्ट ओनली इन एनएफओ पीरियड, बराबर। अब मेरे को इसके बाद अगर कोई भी यूनिट खरीदना है या बेचना है तो क्या, से फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बोलता हूं, मैंने वेन कैटिज से 10 यूनिट ले लिया, ठीक है। अब 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद मेरे को लग रहा है यार मेरे को अर्जेंटली पैसे का जरूरत है, तो मैं क्या करूं? मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकता क्या? मैं बंद गया हूं क्या? तो वो लोग बोलते हैं कि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड का अगर यूनिट्स बेचने का है तो आपके पास एक ही तरीका है, और वो है स्टॉक मार्केट के थ्रू, जिसको अपन सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। वहां पे आपको बाय सेल करना पड़ेगा, वहां पे आपको बाय सेल करना पड़ेगा। तो ओपन एंडेड फंड क्या होगा? ओपन एंडेड फंड का मतलब होता है इन्वेस्ट एनी टाइम इन द म्यूचुअल फंड, और इसमें अगर आपको बाय और सेल करना है तो आप डायरेक्टली वो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जा सकते हो। आप डायरेक्टली डायरेक्टली बाइंग एंड सेलिंग किधर हो सकता है? विद द म्यूचुअल फंड कंपनी। तो डायरेक्टली अगर वेन कैटविच ने ओपन एंडेड फंड निकाला होता तो मेरे को पैसा चाहिए, आज मैंने इन्वेस्ट किया, कल का कल मैं वेन कैटविच के पास जाता और बोलता चल मुझे पैसा दे दे, वो दे देता। बट उसने क्लोज एंडेड फंड निकाला है, तो अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है बाय सेल नहीं कर सकते, बट आपको मार्केट में कोई बायर सेलर ढूंढना पड़ेगा। तो से फॉर एग्जाम्पल वेन कैटविच ने ए बी सी डी को अपना यूनिट्स बेचा, ठीक है। तो ए ने 1,000 लिया, बी ने 500 यूनिट लिया, किसी ने 200 लिया, किसी ने 300 लिया। अब उसमें से ए को अपना कुछ यूनिट सेल करना है, तो ए अपना यूनिट सेल कर सकता है, बट वेन कैटविच उसको खरीदेगा या बेचेगा नहीं, ये ए जो है या तो बी या सी या डी को सेल कर सकता है, प्रोवाइडेड बी सी और डी बाय करने को रेडी है। इफ वो लोग दोनों में अरेंजमेंट हो सकता है तो सेकेंडरी मार्केट में बाय और सेल कर सकते हैं क्लोज एंडेड फंड को। ए समझी गुडू एवरीबॉडी? बोलो बोलो चल चल। ए बोलो ना बोलते क्यों नहीं? और मैं आपको बता दूं कि 1774 में जब उसने स्टार्ट किया था तब तो क्लोज एंडेड फंड ही था। 1924 में MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक फंड निकाला एंड दे क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। अब आप मुझे बताओ लॉजिकली आप कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहोगे, क्लोज एंडेड में या ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में? बोलो बोलो चल चल। आप कहां पे इन्वेस्ट करना चाहोगे, कोई ओपन एंडेड फंड में या क्लोज एंडेड फंड में? सीधी सी बात है सर, किसको भी रिस्ट्रिक्शन लाइफ में नहीं चाहिए आज की तारीख में। सर मेरी मर्जी, जब मैं चाहूं खरीदू, जब मैं चाहूं बेचू, तो सबका सब इन्वेस्ट करना चाहते हैं ओपन एंडेड फंड्स में ही। एंड आज की तारीख में लेट मी टेल यू, 90% जो फंड्स है, आप लोग ने सही बताया है, आर ऑल ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स। तो सर क्लोज एंडेड फंड्स है नहीं है? मालूम है ELSS होता है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जो अपन लोग ATC में इन्वेस्ट करते हैं। ATC में जो अपन लोग इन्वेस्ट करते हैं ना म्यूचुअल फंड में, 1,50,000 तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो ATC में, ELSS टैक्स बराबर के नहीं। वो जो फंड्स होते हैं ना वो 3 साल के लॉक इन वाले होते हैं, वो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड होते हैं। तो इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है कि भाई 3 साल तक ना जो म्यूचुअल फंड कंपनी है कुछ एक्स्ट्रा इश्यू करेगा फंड्स, यूनिट्स, ना वो विड्रॉ करेगा, ना वो किसी को पैसा देगा, रिडेम्पशन करेगा। तो 3 साल हो गया, उसके बाद आप वेन कैटविच के पास जाओ, वो आपको रिडीम करके दे देगा। समझ में आया? तो ये जो ELSS वाले 3 ईयर लॉक इन वाले होते हैं वो कौन से फंड्स होते हैं? बट इन जनरल जो अपन लोग मार्केट में देखते हैं वो कौन से फंड्स होते हैं? ए समझ गुडू एवरीबॉडी? कैन वी सेल ESS इन द मार्केट? द आंसर इज नो। ऑब्वियसली ये आपका जो ATC है टैक्स के हिसाब से देर इज अ लॉक इन एंड यू कैन नॉट सेल इट। यस एवरीबॉडी। चारुल बोल रहे हैं कि
क्लोज एंडेड विल प्रोवाइड बेटर आरओआई, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड। सी मैंने सब देखा है, मैंने नेगेटिव रिटर्न्स भी देखा है ओपन एंडेड का, क्लोज एंडेड का भी नेगेटिव देखा है, ओपन एंडेड का धूम रिटर्न भी देखा है, सब सब देख लिया है मैंने। सो क्या ही बोलूं। चल समझ में आया आप लोग को। अच्छा अभी वेन कैटविच की भाषा में अगर मैं बात करूं तो वेन कैटविच ने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इश्यू किए कितने, 2000। एक यूनिट का उसने कितना पैसा लिया, 1000। इससे उसको कितना पैसा मिल गया, इससे उसको कितना पैसा मिल गया, बोलो बोलो चल चल, ₹20 लाख। ये जो पैसा उसको मिल गया, ये जो 20 लाख रुपए उसको मिल गया, इसको अपनी भाषा में अपन कहेंगे AUM, या जिसको अपन बोलते हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। समझू एवरीबॉडी, बराबर है। अब क्या ये जो भी इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है वेन कैटविच फ्री में कर रहा है या इसके लिए कुछ पैसे लेने वाला है? करेक्ट, लेने वाला है ना, उसको कहते हैं एसेट मैनेजमेंट फीस। तो से फॉर एग्जांपल वेन कैटविच बोलता है 1.5% लूंगा मैं ऑफ दिस 20 लाख, तो अपन लोग ने अगर उसको सब मिला के 20 लाख इंटू 1.5% देंगे अपना म्यूचुअल फंड उसको, तो जो 30,000 रुपए देंगे अपन उसको, उसको क्या कहेंगे अपन, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोफेशनल फीस, या इसको कहते हैं AMC फीस। ए समझू, क्लियर एवरीबॉडी, सब चीजें कनेक्ट होते जा रहा है ये वर्ड्स। क्या NFO का मतलब समझा आपको? तो ओपन एंडेड में भी NFO होता है, बट वो वही 10 रुपए पे वो देते हैं वो लोग, और बाद में फिर बाद में जो उसका NAV होते जाता है उस हिसाब से ट्रेडिंग होता है मार्केट में। क्लियर एवरीबॉडी, ये सब टर्म्स आपको समझ में आ गया लॉजिकली कि एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है, एसेट मैनेजमेंट फीस क्या होता है, क्लोज एंडेड फंड क्या होता है, NFO क्या होता है, ओपन एंडेड फंड क्या होता है? क्या कभी भूलोगे कि लॉजिकली याद रहेगा, एग्जाम्पल के थ्रू लॉजिकली याद रहेगा? बोलो बोलो चल चल। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। डन 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 डन, क्लियर एवरीबॉडी, परफेक्ट। एक सेकेंड ना। हाँ भाई, तो क्या आपको समझ में आ गया है सिस्टम ऑफ म्यूचुअल फंड देवियों और सज्जनों? यस कूल। सो यहां से वेन कैटविच ने अपना ये जर्नी स्टार्ट किया, फिर MIT ने उसमें ओपन एंडेड फंड बनाया, और आज की तारीख में इंडस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड्स इज ह्यूज। इंडिया का इंडस्ट्री तो फिर भी अभी तक इतना डेवलप नहीं है, बट लेट मी टेल यू दैट कुछ इंडस्ट्रीज, तो कुछ कंट्रीज में तो म्यूचुअल फंड इज नेक्स्ट लेवल। मैं तुम लोगों को स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा, यू विल बी शॉक टू नो कि इतना ह्यूज लेवल पे इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड्स में। क्या आपको ये ओपन एंडेड क्लोज एंडेड समझ में आया? इसको और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट क्या मोटा मोटा आपको लोग समझ में आ रहा है चीजें कहां से अपन लोग ने स्टार्ट की थी? ठीक है, पैसा आप लोग का इन्वेस्ट मैं करूंगा, कुछ रिटर्न्स लाके दूंगा, आप अकेले इतनी सारे डाइवर्सिफाइड मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, तो अपन ने एक पूल बनाया, अच्छा खासा पैसा आया तो अपन यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएंगे, बट ये इन्वेस्ट करने के लिए मुझे मेरा दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो मुझे मेरा फीस चाहिए, उसके बाद जो भी बचा वो आपका प्रॉफिट। बस इसी कहानी को कहते हैं म्यूचुअल फंड्स, इसी कहानी को कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। इसी में अपन लोग ने देख लिया NFO क्या होता है, म्यूचुअल फंड यूनिट्स क्या होते हैं, बराबर है, एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है, AMC प्रोफेशनल फीस क्या होता है, क्लोज्ड एंडेड फंड्स क्या होते हैं, ओपन एंडेड फंड्स क्या होते हैं। सही बोल रहा हूं मैं? सब लोग को इधर तक क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट, येस और नो? नहीं तो आप लोग सब लोग ने मेरे पे विश्वास किया और 1 जून को पैसा दे दिया 10 लाख रुपया। फिर आप लोग आए
एग्जाम के बाद से 15 नवंबर को आया आप लोग ने बोला सर कितना हो गया हमारा ये 10 लाख का। मैंने तुम्हारे को बोला बधाई हो 20% का रिटर्न मिला है, 10 लाख का हो गया है 12 लाख। मतलब आप घर पे पढ़ाई कर रहे थे और आपका पैसा काम कर रहा था, क्या बात है क्या बात है। ठीक है ना, लाइफ में आगे तभी बढ़ोगे जब आप कुछ ना कर रहे हो फिर भी आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा हो। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है कि नहीं? सही बोल रहे हो। सो 10 लाख का 12 लाख हो गया। अब यही 10 लाख में ऐसे ही पड़ा रखता तो कोई मतलब ही नहीं था। स्लाइड्स में बाद में दिखा दूंगा ना आयुषी, सो बाद में देख लेना, अभी मेरे को कंटिन्यू करने दे, अभी मैं एक फ्लो में हूं तो वो फ्लो में अपन लोग कंटिन्यू करते हैं, देन फिर वी विल टेक इट फॉरवर्ड। सो यस, पैसिव इनकम बोल सकते हो। कुछ लोगों का ये एक्टिव इनकम ही होता है, इनफैक्ट कुछ लोगों का तो एक्टिव इनकम से ज्यादा होता है ये, समझ रहे हो। तुम लोग 2 लाख रुपया कब कमाओगे, जब आर्टिकल क्लर्क 3 साल काम करेगा ना तब जाके वो 2 लाख रुपया कमा पाएगा बेचारा। तो यहाँ पे तो आप लोग को 6 महीने के अंदर मिल गया ना यार, तो आपका तो एक्टिव इनकम हो गया। अब सुनो, अब 1 जून को 10 लाख रुपए आपने डाला, 15 नवंबर को 12 लाख हो गया। अब 12 लाख रुपए आपके पास आ गए हैं, ये आप लोग के अकाउंट में पड़े, मतलब मेरे पास पड़े, वो आप लोग के पास है। अब आप लोग के फ्रेंड्स है वो लोग बोल रहे हैं यार क्या सही स्कीम लगाया यार, क्या यार। अब जिन्होंने भी आपके फ्रेंड्स है जिन्होंने SFM मेरे पास से नहीं पढ़ा है, उन लोग को पछतावा हो रहा होगा दो चीज का, एक तो SFM नहीं पढ़ा वो तो है ही, दूसरा कि सर यार हम लोग को भी तो ये पैसा कमाने का मौका मिलना चाहिए था। अब आपके फ्रेंड लोग बोल रहे हैं यार मुझे भी इन्वेस्ट करना है यार, अब ये 2 लाख तो मैं नहीं कमा पाया बट मुझे आगे इन्वेस्ट करना है। तो आप लोग बोलोगे अरे क्यों टेंशन लेता है यार, हमारे सर है ना, हमारे सर तेरे को इन्वेस्ट करवा देंगे। अब आप मेरे को बताओ, आपको जब मैंने 1 यूनिट दिया था तो आपसे मैंने 1 यूनिट का लिया था 1000 रुपया, बराबर है। अब 15 नवंबर को जब आपके फ्रेंड आएंगे मेरे पास और बोलेंगे सर हमारे को भी इन्वेस्ट करना है आपके SK म्यूचुअल फंड में, सर हमारे को भी पैसा कमाना है, तो क्या उसको अभी मैं 1 यूनिट 1000 रुपए में ही दूंगा क्या? बोलो बोलो चल चल कि अब इसका वैल्यू बढ़ चुका है। समझ रहे हो। अब मैं उसको बोलूंगा कि भाई 1000 रुपए में तभी दिया था उसको 1 यूनिट बट अब इसका वैल्यू है ना 1200 रुपया हो गया है। अभी अंडरस्टैंडिंग, तो द प्राइस एट विच यू आर परचेजिंग अ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, इसको नाम दिया है नेट एसेट वैल्यू। क्या नाम दिया है इसको? नेट एसेट वैल्यू। ये एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है सब बताऊंगा, बट अभी फिलहाल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या समझ में आया आपको? कैन आई से ये जो 1 यूनिट का वैल्यू है मार्केट वैल्यू, ये चेंज होते रहेगा और जैसे जैसे उसका वैल्यू बढ़ते जाएगा यूनिट का वैल्यू चेंज होते रहेगा बढ़ते जाएगा। इस चीज को कहते हैं, जहां भी बैठे हो एवरीबॉडी, इस चीज को कहते हैं नेट एसेट वैल्यू, NAV, NAV। नेट एसेट वैल्यू NAV, ए समझ गए। सो वैल्यू ऑफ वन यूनिट ऑफ अ म्यूचुअल फंड, उसको क्या बोलेंगे अपन आज के बाद? करेक्ट, नेट एसेट वैल्यू। सो NAV बेसिकली क्या है? वैल्यू ऑफ वन यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। तो आप सीधा गूगल पे डालो HDFC ग्रोथ म्यूचुअल फंड NAV, तो उसका जो NAV होगा वो 1 यूनिट का उसका वैल्यू होगा। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, अभी अंडरस्टैंडिंग। तो से फॉर एग्जांपल यहां पे मैं डालता हूं HDFC ग्रोथ फंड NAV। देखो यहां पे दिख रहा है आप लोगों को कुछ, ये देखो यहां पे आ गया, यहां पे अब आपको NAV दिख रहा है, नेट एसेट्स अंडर मैनेजमेंट NAV एज ऑन से 31/3/2003 कितना दिख रहा है? 209.849। क्या अब इसका मतलब समझ में आता है आपको? डन।
नेट एसेट्स, एसेट अंडर मैनेजमेंट 8589 crores. क्या आपको इसका मतलब अब समझ में आता है? लॉन्च डेट मतलब 18th Feb 1994 को 10 रुपए में इसका एनएफओ निकला रहेगा. आज इसके एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 209.849. समझे गाइस? समझे? यस. ये देखो कितना अच्छा ग्रोथ दिया है एचडीएफसी फंड ग्रोथ फंड ने. उसका वैल्यू 209.59 है आज की तारीख में. जिस दिन से लॉन्च हुआ था आज तक के लेके 11.8% का रिटर्न दिया है, विच इज फिनोमिनल. वेरी गुड रिटर्न 11% का. 3 साल में 32% का, 5 साल में 12% का रिटर्न दिया है इस एचडीएफसी ग्रोथ फंड ने. तो क्या अभी आप लोग प्रैक्टिकली भी चीजों को देख रहे हो तो समझ में आ रहा है कि खाली अपन लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे कि अब आपको हाँ सर कनेक्ट हो पा रहा है? यस एवरीवन. अरे बोलो बोलो, चल चल. ये देखो यहाँ पे आ गया. ये देखो ऐसे नैब में दिखता है आप लोग का यहाँ पे चीजें. ठीक है, अब इसको और भी बाद में मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या इसको देखते हैं, बट दिस इज हाउ द सिस्टम इज. गॉट इट गाइस? तो मैंने बोला था ना प्रैक्टिकली भी आप लोगों को बताऊंगा. दिस इज व्हाट द प्रैक्टिकल टेंस. ये देखो फंड साइज कितना है, फंड में पैसा. वेन कैटविच ने 20 लाख रुपए दिया था, बराबर है उसका भी आज की तारीख में. जब उसने एनएफओ लाया था 10 रुपया था, आज इसका नैव एक यूनिट का कितना हो गया है? 210 रुपया. अभी अंडरस्टैंडिंग. एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, मतलब आपका एसेट मैनेजमेंट फीस जो है वो कितना जा रहा है? 1.8% जा रहा है. वेरी गुड अभिषेक कृष्णन इज राइट. मॉर्निंग स्टार इज अ वेरी गुड साइट टू एनालाइज फंड्स. यस यस, वेरी ट्रू. चलो डन. सो बस ऐसे ही है, अपन लोग चीजें भी समझते जाएंगे और लॉजिकली एंड एट द सेम टाइम प्रैक्टिकली भी उसको कनेक्ट करते जाएंगे. सो आज वेन कैटविच का जो एनएफओ था, सॉरी संकल्प कांस्टिया का जो एनएफओ था, आपने 1 जून में आप लोग सब लोग ने विश्वास करके सब्सक्राइब किया, तब आपने 1000 रुपया एक यूनिट का दिया. आज उस सेम चीज का 15 नवंबर को वैल्यू हो गया है 1200 रुपया पर यूनिट. ए समझू एवरीबॉडी, ए समझू एवरीबॉडी. क्लियर क्लियर क्लियर. यस एवरीवन. चल सो इधर तक किसी को कोई भी डाउट्स है गाइस? आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर. डन. चलो अब मैं आपको लोग एक फटाफट एक एग्जांपल देता हूं. मैं आपको एसके म्यूचुअल फंड का सीआईओ बनाता हूं. मैं आपको एसके म्यूचुअल फंड का सी, चलो मैं ये आप लोगों को बनाऊ, उसके पहले एक चीज लिख लेते हैं अपन, उसके बाद मैं आपको इसका व्यू मांगा. हाँ यस यस प्रिंस, एयूएम का होगा. गुड क्वेश्चन बाय रोहन बी से. सर डज द फंड मैनेजर इन्वेस्ट रेगुलरली और इट मेक इन्वेस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ एनएफओ? भाई एनएफओ के दिन पे तो जो पैसा आया वो मैं इन्वेस्ट करूंगा. अब ऐसा नहीं है कि इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, उसमें से थोड़ा कभी मुझे लग रहा है कि चल इसका इतना भाव आ गया अब इससे ही और ऊपर नहीं जाएगा नीचे जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा वो शेयर, तो पैसा आ जाएगा, फिर उसको वापस से रीइन्वेस्ट करना है. हो सकता है कि 10 दिन बाद तू और तेरे कोई फ्रेंड्स आए तो और म्यूचुअल फंड के पास पैसा आएगा तो और वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा. सो इट इज ऑलमोस्ट अ डेली एक्टिविटी माय बॉय, इट इज ऑलमोस्ट अ डेली एक्टिविटी. हा 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 हा. जसलीन पूछ रही है सर व्हाट विल बी द नैव ऑन द डेट ऑफ एनएफओ. एनएफओ के डेट पे नैव वाज 1000, एग्जांपल के तौर पे लिए. अदरवाइज यूजुअली एनएफओ के डेट पे नैव 10 रुपीज से स्टार्ट करता है और फिर बाद में जैसे जैसे बढ़ते जाता है. समझ में आया तुम लोग को एवरीबॉडी? डन क्लियर. अब मैं आप लोग को इस कंपनी का, मेरी कंपनी का, एसके म्यूचुअल फंड का सीआईओ बनाऊंगा और आप लोग को बोलूंगा आप लोग मेरा नैव कैलकुलेट करके दो. करके दोगे ना? ठीक है. दूसरा 2-3 क्वेश्चन. सर नैव रोज कैलकुलेट होता है क्या? सर नैव रोज चेंज होता है क्या? ये सारी चीजों का अभी मैं बहुत जल्द जवाब देने वाला हूं. बट उसके पहले मैं चाहता हूं क्यों ना अपन लोग म्यूचुअल फंड के बारे में 2 शब्द लिख लें. इतना बिचारे के बारे में बात कर लिया है, क्यों ना इस म्यूचुअल फंड के बारे में 2 शब्द लिख लें. क्या बोलते हैं पब्लिक, लिख लें? चलो आओ लिख लेते हैं. यस, बस ये एक डेफिनेशन के बाद आपको मैं बना दूंगा मेरी कंपनी का सीआईओ. मुझे बहुत बहुत होशियार लग रहे हैं ये बच्चे, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये डिजर्व करते हैं बनना. सो क्या होता है म्यूचुअल फंड्स? विद योर परमिशन,
मैं लिख रहा हूं इसका डेफिनेशन, जो कहीं पे यूज नहीं करना है कहीं पे नहीं है, बट अपने को आइडिया होना चाहिए. कैन आई से इट इज अ पूल ऑफ पब्लिक मनी, पूल ऑफ पब्लिक मनी, पूल ऑफ पब्लिक विद सरप्लस मनी, जिसके पास बहुत पैसा है भाई, सरप्लस पैसा है. आओ मित्रों डालो आप यहां में, पूल ऑफ पब्लिक विद सरप्लस मनी इन्वेस्टेड विद अ प्रोफेशनल मैनेजर फॉर अ स्टिप्यूलेटेड फीस एंड कैन आई से जो रिमेनिंग रिटर्न है वो अपन रिटर्न दे देंगे. इसको हाँ स्टूडेंट नोट्स में लिख लो, नोटबुक में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड द रिमेनिंग रिटर्न इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द यूनिट होल्डर्स. मीन क्या है, मीन टाइम प्लस प्रोफेशनल नॉलेज जिसको है, बस काम हो गया, काम हो गया. अभी क्लियर एवरीबॉडी, डन. सो एक छोटा सा ऐसे डेफिनेशन तुम्हारे को लिखवा दिया है. डन लिख लिया सब लोग ने. वेरी ट्रू. देख अभिषेक, बाय डिफॉल्ट टाइम होराइजन इज इंपॉर्टेंट. बाय डिफॉल्ट कोई भी इन्वेस्टमेंट देखो करना है ना, टाइम हराइजन बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी अगर तू एचडीएफसी ग्रोथ फंड अभी जो तुम लोग को दिखाया ना, उसका लास्ट एक ईयर का अगर तू रिटर्न देखेगा तो इट इज ओनली 5%. तो अब किसी के पास पेशेंस नहीं होगा, वो बोलेगा अरे खाली 5% का रिटर्न दिया, इससे ज्यादा तो एफडी दे देता. बट 3 years का रिटर्न देखेगा तो इट इज 32%. सो ऑलवेज टाइम हराइजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. चलो अब इधर आ जाओ. अब मैं तुम्हारे को बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं मैं तुम्हारे को, मेरी कंपनी का सीआईओ. तो एसके म्यूचुअल फंड का आपको मैं बना रहा हूं चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर CIO. सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NFO एंड NAV? डिडंट अंडरस्टैंड. कोई डिफरेंस नहीं है मेरे भाई. NFO का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर. जैसे मालूम है स्टॉक मार्केट में होता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर. वैसे ही जब सपोज आज SK म्यूचुअल फंड अपना फंड लॉन्च कर रहा है, मैंने तुम लोग को क्या बोला, आज तुम लोग प्लीज सब लोग 10-10 लाख रुपए मेरे को दे दो और मेरे एक यूनिट का मैं आपको बोल रहा हूं से 1000 रुपया है. तो आज जब मैं इस फंड को लॉन्च कर रहा हूं तो इस फंड के लॉन्च को कहते हैं NFO, न्यू फंड ऑफर. न्यू फंड ऑफर के दिन पे नेट एसेट वैल्यू कितना है, 1000 रुपया. अब न्यू फंड ऑफर हो गया लॉन्च, जितना पैसा आना था आ गया, NAV के हिसाब से हो गया स्टार्ट. अब यहां से जो भी चेंजेस होते जाएगा उस हिसाब से NAV चेंज होते जाएगा. तो न्यू फंड ऑफर तो खाली जब ऑफर लॉन्च होता है, जब फंड लॉन्च होता है तो उसको कहते हैं न्यू फंड ऑफर. समझ में आया भरत भाई? तो अब मैं अभी ये तेरे को दोनों चीजें यहां पे समझा देता हूं, आ जाओ. तो आज एसके म्यूचुअल फंड लॉन्च हो रहा है भाई, क्या आप इन्वेस्ट करना चाहोगे? द आंसर इज यस. सो सुनो सुनो सुनो, NFO है मेरा से आज के डेट का ही, से 1 जून से लेकर 10 जून तक का मेरा NFO पीरियड है. तो न्यू फंड ऑफर का ये पीरियड है बेसिकली, ये न्यू फंड ऑफर का एक ड्यूरेशन है कि भाई मैं नया फंड लॉन्च कर रहा हूं ना, मैं उसका SKMF, SK म्यूचुअल फंड. ठीक है, अब सुनो, मुझे चाहिए से मैं लॉन्च कर रहा हूं
नैव पे, तो एनएफओ के दिन पे मेरा नैव है रुपीज 1000 पर यूनिट, 1000 पर यूनिट। मेरे पास टोटल 2000 एप्लीकेशंस आए हैं, सो मेरे पास टोटल कितने एप्लीकेशन आए हैं, बोलो बोलो चल चल, 2000 यूनिट्स। सो इन शॉर्ट मेरे पास टोटल एसके म्यूचुअल फंड का एयूएम कितना हो गया, ओ सीआईओ साहब बोलो, अब क्या सब मैं ही करूंगा, बोलो बोलो सीआईओ साहब, एसके म्यूचुअल फंड का, एसके म्यूचुअल फंड का एयूएम कितना हो गया, बोलो बोलो चल चल, करेक्ट, इट विल बी रुपीज 20 लाख, इट विल बी रुपीज 20 लाख, डन, ओके। अब मेरे को आप बताओ, आप सीआईओ, आप सीआईओ, ये पैसा आप अपने घर पे लेके जाओगे या इसको इन्वेस्ट करोगे, ये जो एयूएम आया है, एसेट अंडर मैनेजमेंट आया है, ये पैसा आप घर पे लेके जाओगे कि इसको इन्वेस्ट करोगे? सर सीधी सी बात है, घर पे लेके जाएंगे तो जो आपका यूनिट होल्डर है वो मारेगा, तो हम लोग इसको इन्वेस्ट करेंगे, अच्छी बात है। तो अब इसको कहां पे अपने को इन्वेस्ट करना है, लेट्स सी, अब अपने को इसको इन्वेस्ट करना है ये मानसी को, चलो मानसी के घर पे पकड़ के उसको अपन लोग मारने वाले हैं, घर पे लेके जाएंगे अपना पैसा, तुम्हारा पैसा देखो मानसी घर पे लेके जा रही है, गुजरात में रहती है, जाओ उसके घर पे पकड़ो इस मानसी को, चलो। सो आप क्या करोगे, इसको इन्वेस्ट करोगे। अब मैं आपको बताता हूं, आज ही से 1 जून को ही आपने इन्वेस्ट कर लिया, आपने इक्विटी में इन्वेस्ट कर लिया, से फॉर एग्जांपल आपने इक्विटी में इन्वेस्ट कर लिया, आपने से फॉर एग्जांपल रिलायंस का शेयर्स ले लिया, आपने, मैं आपको बोलता हूं, चलो आपने 50% इन्वेस्टमेंट किया रिलायंस के शेयर्स में और 50% इन्वेस्टमेंट किया टीसीएस के शेयर्स में। आपको मैं एक बात बताता हूं, आज के दिन पे शेयर प्राइस ऑफ रिलायंस इज रुपीज 5000 एंड टीसीएस इज रुपीज 2000। मुझे बताओ क्या हुआ होगा इस सिनारियो में, ओ सीआईओ साहब मुझे जरा सिनारियो बताओ क्या हुआ होगा इस सिनारियो में। तो कहना इसे तुम लोग ने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया आरआईएल में, कितना शेयर मिला होगा, यस मुस्कान जी डोंट वरी, कितना शेयर्स मिला होगा। तो मुस्कान बोल रही है कि सर नोट्स भी अपलोड करवा देना, नोट्स भी अपलोड करवा दूंगा, और अभी अपने को बहुत कुछ लिखना भी है, टेंशन मतलब ऐसा नहीं है कि लिखाऊंगा नहीं, बट अभी फिलहाल एक फ्लो में चल रही है अपनी चीजें, तो वो फ्लो में हो, बाकी सब चीजें टाइम टू टाइम लिखेंगे अपन, डोंट वरी एट ऑल। हाँ भाई, कितने शेयर्स, कौन सी कंपनी का कितना शेयर लिया, कितना पैसा लगाया, कुछ बोलो यार। करेक्ट, 500 शेयर्स ऑफ टीसीएस एंड 200 शेयर्स ऑफ आरआईएल। सो कैन आई से इस एसके म्यूचुअल फंड के पास, आप बोलोगे सर 10 लाख रुपया आया और एक शेयर का है 5000 पर शेयर, तो अपने पास 10 लाख रुपया आया और इसका 2000 रुपया है पर शेयर, तो अपने पास टोटल 10 लाख डिवाइड बाय 5000, 200 शेयर आ गया है रिलायंस का और 500 शेयर आ गया है टीसीएस का। समझ रहे हैं क्या आप एवरीबॉडी, बोलो बोलो टेल टेल, ठीक है, क्लियर है इधर तक, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो क्या हुआ, ओ सीआईओ साहब अब सुनो क्या हुआ, फिफ्थ जैन को तुम्हारे पास एक इन्वेस्टर आया और बोला कि ये ओपन एंडेड स्कीम था, ठीक है ना, अपन लोग ने जो ये स्कीम लॉन्च किया था ये ओपन एंडेड स्कीम था,
ठीक है ना, ओपन एंडेड स्कीम था, तो कभी भी आएगा जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे पास से 15 जैन को एक बंदा आया, 15 जैन को एक बंदा आया और वो इन्वेस्टर बोलता है कि मुझे मेरे को मेरा 100 यूनिट्स सेल करना है, तो आप मुझे बताओ ये 100 यूनिट्स क्या रेट के ऊपर सेल होगा, ये 100 यूनिट्स क्या रेट के ऊपर सेल होगा, तो ये 100 यूनिट्स क्या रेट के ऊपर सेल होगा, बोलो बोलो टेल टेल। कौन कौन है वेटिंग, तुम लोग आंसर दो फिर मैं बताऊंगा। ये 100 यूनिट्स, हाँ करेक्ट मीर, ये 100 यूनिट्स 15 जैन को जो नैव उस रेट के ऊपर सेल होगा, बराबर है 15 जैन को जो भी इसका नैव है उस रेट के ऊपर वो सेल हो जाएगा। एम आई राइट एवरीबॉडी? सो नैव ऑन 15 जैन के ऊपर सेल हो जाएगा। अब आप सीआई हो तो आप कैलकुलेट करके बताओ जरा कि कितना है उसका नैव, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप बोलोगे कि सर रिलायंस है अपने पास कितना, सर रिलायंस है अपने पास 200 शेयर, अपन ने 5000 में लिया था, मैं आपको बता दूं 15 जैन को इसका वैल्यू हो गया है 6000 पर शेयर, और मैं आपको बता दूं टीसीएस अपने पास 500 शेयर था, ये अपन लोग ने लिया था 2000 पर शेयर में, अभी इसका वैल्यू हो गया है 2000 पर शेयर, क्या अभी कुछ बता पाओगे आप लोग मेरे को, बोलो बोलो टेल टेल क्या 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 क्या। सो कैन आई से अभी इमीजिएटली आप कैलकुलेट कर लोगे 200 × 6000 मतलब कैन आई से 12 लाख रुपीज, ये कितना हो गया 12 लाख रुपीज हो गया ये मेरा, प्लस 2500 × 500 कैन आई से ये 12,50,000 हो गया मेरा, तो टोटल कितना हो गया 22,50,000 राइट, और 22,50,000, अरे यार ये मेरे को तुम लोग को ही कैलकुलेट करने को देना चाहिए था यार, मैं क्यों कर रहा हूं, चलो मैंने तुम लोगों को खाली इंफॉर्मेशन दे दिया ये वाला बस, मैं तुम लोग अभी मुझे नया कैलकुलेट करके बताओगे बस फटाफट, कम ऑन स्टार्ट। कमन 15 जैन का तुम लोग मुझे नैव कैलकुलेट करके बताओगे, स्टार्ट एवरीबॉडी। मुझे खाली मैंने जो पूछा है उसका जवाब देना, मैंने पूछा है 15 जैन का एनएवी पर यूनिट मुझे चाहिए, एनएवी कभी भी पर यूनिट बेसिस पे ही होता है, एनएवी पर यूनिट मुझे चाहिए, बस सिंपल जो पूछ रहा हूं उसका जवाब मुझे दे दो। सोच समझ के जवाब दो थोड़ा, टोटल यूनिट्स कितना इशू किया था फर्स्ट डे पे वो उतना ही है, से इसके बाद कोई ना यूनिट ऐड हुआ है ना लेस हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखो, फर्स्ट डे पे 2000 यूनिट इशू हुआ था वो इतना ही है ना ऐड हुआ है ना लेस हुआ है, अब मेरे को बताओ एनएवी ऑन 15 जून कितना होगा, कम ऑन बोलो बोलो चल चल, सबका आंसर करेक्ट आना चाहिए यार। वेरी नाइस, अब सबका आंसर करेक्ट आना चालू हो गया है, ब्रिलियंट, प्रिंस कैलकुलेशन चेक कर अपना, जसलीन रॉ जसलीन चेक कर अपना, एक्सेलेंट गाइस, तुम लोग सब लोग का आंसर करेक्ट आ गया है, वी विल से दैट 6000 × 200 कैन आई से यहां पे 12 लाख और यहां पे 2500 × 500 12,50,000 सो टोटल 24,50,000 का वैल्यू हो गया है मेरा फॉर 2000 यूनिट्स इशूड। सो अब आपकी तारीख आज की तारीख में ₹1,225 पर यूनिट का नैव हो गया है।
अब अपने पास ये महाशय आएंगे, अपन उनको बोलेंगे भाई 100 यूनिट है तेरा, 1 यूनिट का 1225, चुपचाप उसको आप 1,22,500 रुपए दे देंगे और उसके पास से 100 यूनिट ले लेंगे। 1 लाख उसने इन्वेस्ट किया था, 22,500 का उसको प्रॉफिट हो गया, वो भी खुश, आप भी खुश, खेल खत्म। क्या समझी गुड़ू एवरीबॉडी? गाइस सब लोगों को समझ में आया क्या? अरे बोलो बोलो, टेल टेल, व्हाट विल बी द शेयर्स लिक्विडिटिंग रेशियो फॉर पेइंग द अमाउंट बैक? माय गॉड, मुझे इतना इंग्लिश नहीं आता है चारुल। कोई शेयर लिक्विडेटिंग विक्विडेटिंग कुछ नहीं होगा, कंपनी के पास जो पैसा होगा उसमें से वो इसको रिटर्न कर देगी, नहीं है तो वो बेच देगी अपने हिसाब से। ऐसा कोई शेयर लिक्विडेटिंग रेशियो नहीं रखेगी, वो अपने हिसाब से, उनको जो लग रहा है वो, उसको लग रहा है कि भाई फ्यूचर में रिलायंस कम होने वाला है तो शायद रिलायंस बेच देगी, या वो प्रोपोर्शनेटली बेचना है प्रोपोर्शनेट बेचेगी, दैट डिपेंड्स ऑन द फंड मैनेजर, उसको क्या अप्रोच रखना है, तो उसका टेंशन अपने को नहीं लेना है। अभी मुस्कान सोनी ये 1,22,500 में प्रोफेशनल फीस और वो सबको मत घुसा, अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाएगी। फिलहाल जस्ट कीप इट सिंपल। समझ में आ गया सब लोग को एवरीबॉडी? कोई डाउट किसी को? ओए डाउट मत रखना। चलो चलो चलो, क्या अभी क्लियर एवरीबॉडी? प्लीज एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म, डन डन एंड डन, यस एवरीवन। बस चलो, बस यही काम करना है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो नैव है ना, ये क्या होता है इसका पता है? एवरी डे चेंज होता है। नैव इज लाइक गोल्ड। आप लोग कभी गोल्ड खरीदने को गए हो? गोल्ड अगर आप लोग कभी खरीदने को जाओगे ना, अपने पेरेंट्स को जाके पूछना, वो लोग ने खरीदा होगा, तो गोल्ड कोई भी शॉप पे जाओगे ना, वो लोग गोल्ड का रेट लिखते हैं 65,000 पर तोला, 65,000 पर तोला, तो एक तोले का है 10 ग्राम का, 65,000 पर 10 ग्राम, आज 65,000 का रेट है। कल जब जाओगे तो ये 63,000 भी हो सकता है, 61,000 भी हो सकता है। वैसे ही नैव है, नैव पर यूनिट इज कैलक्यूलेटेड एवरी डे एट द एंड ऑफ ट्रेडिंग टाइम। ट्रेडिंग टाइम 3:30 बजे तक का है, तो 3:30 बजे एवरी डे नैव कैलकुलेट होता है। तो से फॉर एग्जाम्पल आज है 10th January, तो 10th January 3:30 PM को से नैव कैलकुलेट करूंगा मैं मेरे एसके म्यूचुअल फंड का। तो मैंने मेरे एसके म्यूचुअल फंड का नैव कैलकुलेट किया, से ये आ गया मेरा से 1050 पर यूनिट। अब 11th Jan को किसी को भी मेरा म्यूचुअल फंड खरीदना है तो 3:30 PM को ये नैव आ गया। 11th Jan मतलब 10th Jan 3:30 PM से लेकर 11th Jan 3:29 PM तक जिसको भी खरीदना है वो ये 1050 के रेट पे खरीदेगा, समझो। फिर बाद में 11th Jan आ गया, तो 11th Jan के 3:30 को ट्रेडिंग टाइम आ गया, इस टाइम पे वापस से नया कैलकुलेट होगा से 1100 पर यूनिट। तो अब अगर आपको 11th Jan 3:30 PM से लेकर 12th Jan 3:29 PM तक खरीदना है तो यू विल परचेज एट 11,100 पर यूनिट। अब ये नैव कैसे कैलकुलेट होता है? एवरी डे जैसे जैसे ये रिलायंस TCS और ये सब के प्राइस चेंज होते जाएंगे उस हिसाब से मेरा नैव भी चेंज होते जाएगा ऑन अ डेली बेसिस। ए समझ गुड़ू एवरीबॉडी? और ये नैव डेली बेसिस पे आपको सेबी को पब्लिश करना पड़ता है कंपलसरी। तो 3:30 बजे आपने अगर अपना नैव कैलकुलेट करके नहीं दिया तो 4 बजे सेबी का फोन आएगा और सेबी बहुत स्ट्रिक्ट है, बोलेगा 4 बजे, अभी 4 बज गए तेरा नैव क्यों नहीं आया, बंद करवा दूंगा तेरा म्यूचुअल फंड। हाँ बता रहा हूं मैं,
तो इतना स्ट्रिक्ट है सेबी, तो बाय डिफॉल्ट आपको ये नैव एवरीडे बेसिस पे हर म्यूचुअल फंड को कैलकुलेट करके सबमिट करना पड़ता है सेबी को, एंड फिर इस नैव के बेसिस पे ट्रेडिंग होता है। समझ में आया? तो से फॉर एग्जांपल आज क्या डेट है, से अज्यूम करते हैं आज का डेट है से 5th of Jan, और अभी क्या टाइम हुआ है, से टाइम हुआ है 11 AM। आप मुझे बताओ क्या रेट पे मिलेगा, तो 4th Jan को 3:30 PM को जो नैव का रेट था वो रेट पे मुझे मिलेगा इधर। बट अगर मैं बोलता हूं कि मेरे को 5th Jan को शाम को 5:30 PM को अगर खरीदना है, देन 5th Jan को जो 3:30 PM को नैव पब्लिश हुआ रहेगा उस हिसाब से खरीदा जाएगा। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? समझू? शाबाश। डन। डन 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 एवरीबॉडी, इधर तक किसी को कोई भी डाउट गाइस? सब लोग मेरे साथ में हो? लॉजिकली एक एक चीज समझ में आते गई तुम लोग को? टर्म समझ में आते गए? तो अपन लोग ने पहले स्टार्ट किया रिवीजन से अपने लास्ट लेक्चर के, उसके बाद में अपन लोग म्यूचुअल फंड को समझते गए। NFA, भरत समझ में आया तेरे को NFO नैव का डिफरेंस? क्या नैव एवरीडे चेंज होता है? मुझे जवाब देते जाओ सब लोग, क्या नैव एवरीडे चेंज होता है? यस सर। क्या नैव एवरीडे चेंज होता है? यस सर। एसेट अंडर मैनेजमेंट, जितना आपके पास पैसा है उसको बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। क्या क्लोज एंडेड फंड ओपन एंडेड फंड का मतलब पता है? यस yes. आपको इन्वेस्टमेंट अगर खाली वो एनएफओ पीरियड में ही करना है, बीच में आप परचेज सेल म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ नहीं कर सकते, दैट इज योर क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे जब आपको चाहिए खरीद सकते हो बेच सकते हो आपके फंड के साथ, दैट इज कॉल्ड एज ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। समझू एवरीबॉडी? चलो क्लियर। कहां पे स्टार्ट हुआ था, क्या होता है एनएफओ, एयूएम, प्रोफेशनल फीस, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, कैसे ये वैल्यू चेंज होता है, म्यूचुअल फंड का डेफिनेशन, ये वैल्यू कैसे चेंज होता है, तो अपना कैसे उस हिसाब से आंसर चेंज हुआ, सब चीज तुम लोग को आई होप क्लियर हो गया होगा। नैव क्या होता है? एवरीडे बेसिस पे पर यूनिट वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड। सिंपल, नैव का अगर कोई मतलब पूछे तो पर यूनिट वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड, नैव इज इक्वल टू पर यूनिट वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड। ए समझिगड़ू? यस, एनएफओ इज इक्वल टू मतलब वही जब फंड लॉन्च होता है तो वो जो भी वो टाइम पे भाव होता है बेसिकली, और कुछ। चलो गाइस, क्या एक ब्रेक बनता है अभी? हक से एक ब्रेक बनता है। डन। क्या 10 मिनट में अपन लोग मिलेंगे वापस? डन। रोहन, हाँ गुड क्वेश्चन बाय रोहन। आइडियली ये क्वेश्चन का आंसर मैं या तो नेक्स्ट सेशन में आज एंड में देने वाला था, बट उसने पूछा है तो मैं बता देता हूं। सर क्लोज एंडेड फंड नैव विल बी कैलकुलेटेड लाइक दिस? यस। एंड सर हाउ विल बी इट बी यूज्ड फॉर मार्केट ट्रेडिंग? वो जब मैं क्लोज एंडेड फंड का सम करवाऊंगा तब तेरे को बताऊंगा, यू विल बी क्लियर। ओके रोहन ब्रदर, चलो डन, मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 8:41 इन माई क्लॉक, 8:51, सी यू ऑल आफ्टर द ब्रेक।